नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 6 5G versus Xiaomi Mi 11T Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Pixel 6 5G में 6.24 इंच जबकि Mi 11T Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Pixel 6 5G में 2.94 इंच जबकि Mi 11T Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Pixel 6 5G में 0.35 इंच जबकि Mi 11T Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Pixel 6 5G में 207 ग्राम्स जबकि Mi 11T Pro 5G में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pixel 6 5G में OLED जबकि Mi 11T Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pixel 6 5G में 6.4 इंचेस जबकि Mi 11T Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pixel 6 5G में 83.36% जबकि Mi 11T Pro 5G में 85.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pixel 6 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Mi 11T Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Pixel 6 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11T Pro 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Pixel 6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 11T Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Pixel 6 5G में Mali G78MP20 जबकि Mi 11T Pro 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pixel 6 5G में Google Tensor और Mi 11T Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Pixel 6 5G में Android V12 जबकि Mi 11T Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Pixel 6 5G में 4614 mAh जबकि Mi 11T Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Pixel 6 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 61,290 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 79,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें MI 11T Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 41,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Google Pixel 6 5G में 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi MI 11T Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में MI 11T Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 है, दूसरा Samsung Galaxy S21 5G है, तीसरा Samsung Galaxy S21 Ultra है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 Pro Max है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।